अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला खैरियत से होंगे। वेल टुडे 25th of December कायद डे है। आज हमारे लीडर, द ग्रेट लीडर, द फादर ऑफ नेशन कायद अजम मोहम्मद अली जना 25th of December को पैदा हुए थे और उनका बर्थडे है। बिल्कुल केक भी काटे जाएंगे और अच्छी तरह से भरपूर नमून से सेलिब्रेट भी किया जाएगा। और मैं सलाम पेश करता हूँ अपने लीडर को। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर एक फ़ज़ल किया था उस टाइम हमें ऐसा लीडर देकर। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान में आगे चलकर भी ऐसे लीडर पैदा हों, क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसा लीडर पैदा नहीं हुआ है। ऑल इज स्ट्रगल वॉज एब्सोल्युटली रिमार्केबल। पाकिस्तान का मूवमेंट तो बहुत सालों से चल रहा था, बट वैन ही सर्व्ड इन 1913 टिल 1947 पाकिस्तान की आज़ादी तक, ये जो एक पूरा स्ट्रगल है इतने सालों का, इस सारे स्ट्रगल को मैं सलाम पेश करता हूँ आपके इस सब्र को। और अपने इस स्ट्रगल को कंटिन्यू किया आपने और अपने मंजिल तक पहुँचे, और हमें भी एक लेसन दिया कि बिल्कुल हार नहीं मानना है और अपनी मंजिल को पहुँचना ही है। क्यों जितना भी टाइम लगे आपने बिल्कुल रुकना नहीं है। वी आर प्राउड ऑफ यू एंड वी आर थैंकफुल टू अल्लाह अलमाइटी कि अल्लाह ने हमें एक ऐसा लीडर दिया था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पता नहीं क्या समझ रहे होंगे उस टाइम के दूसरे जो पार्टीज़ थे हिंदुस्तान के, कि हम ब्रिटिश से आज़ादी लेकर इन मुसलमानों पर हुक्मरानी करेंगे। लेकिन उनको शायद पता नहीं था कि मुसलमान अपना हक लेना अच्छी तरह से जानते हैं और अल्लाह का फजल है। इसलिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यूँ दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, ऐ कायद आज़म तेरा एहसान ही एहसान। थैंक यू सो मच। बदल के रख दिया एक मुल्क।